अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फिकार बेहन है। मैं डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट डिवीजनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर कराची हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में कोविड-19 की दूसरी लहर बड़ी शिद्दत से जारी है, और आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे बच्चों का होता है। वो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर इदारे इस वक्त बंद होने को जा रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और डिवीज़नल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर इन तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं, और हम नहीं चाहते कि इन बच्चों का नुकसान हो। इन बच्चों को जो कोर्स पढ़ना है उसमें उनकी मदद करनी है। ये सिलसिला पहले भी इसी तरह हुआ था कि जब पहली लहर शुरू हुई थी तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक टेली स्कूल के नाम से, जो कि पीटीवी के तावन से तरतीब दिया था, एक टेली स्कूल आज भी चल रहा है। और बच्चों को जो तालीमी हवाले से नुकसान होता है उसको कम से कम करने के लिए एक डिस्टेंस एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया था। ताहम तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और दीगर इदारे ऑनलाइन तालीम का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। डिवीज़नल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर, जो कि डायरेक्टेड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सिंध का ज़ेली इदारा है, इसने एक डायरेक्टिक टीवी टीचिंग लर्निंग चैनल का शुरुआत किया है, जो कि इंशाल्लाह 24 नवंबर से रोज़ाना 11 बजे से लेकर 12 बजे तक शुरू किया जाएगा, जिसको आप लाइव देख सकेंगे, जिसमें आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को सामने बिठाएं। हमारे काबिल असातिज़ा वो इन बच्चों को लाइव पढ़ाएंगे, इन बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे, इन बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे, इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, और इनके दीगर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम असातिज़ा एक्सपर्ट्स इनको लाइव पढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा एरिया एलिमेंट्री साइड है, लिहाजा आप लोग ये कोशिश करें कि बच्चे प्राइमरी के और एलिमेंट्री लेवल के बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तो बेहतर होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।